श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की। जेड़ो कन्ने भाग श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो केहो जवाब रोहन के बीच करिया की आऊं। वैसे सिंधी में खास तो परस्पर वार्तालाप चलते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं और राज्य की ओर से कभी कभी उत्तर भी प्राप्त करते हैं, तो वो भाव है। तो केव जवाब रोहन के, ब्रह्मात्माओं के लिए कौन सा उत्तर दे, ब्रह्मात्माओं के लिए उत्तर क्या है, ये कहना चाह रहे हैं। तो का मतलब तो फिर ब्रह्मात्माओं के लिए क्या उत्तर है, केव जवाब रोहन के। बीच करिया की आऊं, उनके बीच जाकर के मैं क्या बात करूं, ब्रह्मात्माओं के बीच में न कि सुनाइया गुझ में। तो आप मुझे कोई गूढ़ बात भी तो नहीं सुना रहे हैं, कि का मतलब किस कुछ गुझ में न सुनाइए। तो एकांत में कुछ बात सुना देते हैं, मुझे बता दे तो मैं कुछ बताऊं ना। न पाइंदड़े धाऊं, न पाइंदड़े धाऊं, धाऊं का अर्थ पुकार। तो मेरी पुकार का कुछ उत्तर भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं कर रही हूं। ए धाऊं पाइंदड़े न, पुकार का उत्तर नहीं पा रही हूं। न पाइंदड़े, तो मैं जो कुछ आपसे प्रार्थना कर रही हूं तो उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप मुझे कुछ सबके बीच में ना कह करके एकांत में कह दें तो भी कोई बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं सुंदर साथ को क्या बोलूं, तो मुँह के ई बुंझाइयो जे तू हे कली थी। ये तो वो अकेले में उसमें गुप्त बात की बात क्यों की है, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। तू मुँह के ई बुझाइयो तो के, तो ये तो आपने मुँह के मुझे ई बुझाइयो इस प्रकार समझाया है, आपने मुझे ऐसा समझाया था कि जो तू हेकली थी ये, यदि जे तू हेकली थी, यदि तू अकेली होगी, अकेले में होगी, तब तो से करिया गा लड़ी, तो मैं तुझसे बात करूँगा, ऐसा आपने कहा था। दीदार अपन दिए, दर्शन भी दूंगा, दर्शन भी दूं और बात भी करूं, इस प्रकार से आपने बोला था। आऊं हेकली की थी, आऊं का अर्थ मैं, हेकली अकेली की किस प्रकार थी, मतलब रहूंगी कैसे, अकेली हो सकती हूं, ये कहना चाह रहे हैं। बी लगाई तो, बी का अर्थ दूसरी, दूसरे ब्रह्मात्माओं को आपने जोड़ दिया है, तो इन ब्रह्मात्माओं को जागृत करना, खोल दरवाजे पार के तो बुलाए लीजो सृष्टि ब्रह्मा, तो ये दायित्व तो आपने दिया है, तो बहुत ब्रह्मात्माओं को जोड़ दिया है, तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। तोरे आए को कितई जे हिन के पल्ले सो, यहाँ कहने का तात्पर्य को कितई आए, कौन कहाँ है, तो इस अर्थ में आप, आपके अतिरिक्त तो कौन है, तो जिसको हम आपसे कुछ वो कर सकें, जिसका हम सहारा ले सकें, उस अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं। जो हिन के पल्ले सो, तो जो हिन के इन ब्रह्मात्माओं के पल्ले सो, मतलब इनका इनका पल्ला पल्लू पकड़ लें, तो इनको आश्रय दें, इनको मार्गदर्शन दें, इनका हाथ पकड़ें, ऐसा भी कह सकते हैं, तो इनका हाथ पकड़ें, ऐसा
आपके बिना और कौन है, तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरे तो कोई है नहीं, तो ये ब्रह्मात्माएं भी कहाँ जाएं? तो मैं तो मेरे साथ तो आपने इन ब्रह्मात्माओं को जोड़ दिया, अब ये कहाँ जाएं? मैं हाथ छोड़ दूं इनका तो ये जाएंगे कहाँ? आपके अतिरिक्त तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, आपके अतिरिक्त तो कोई है नहीं। से बस नाहे मुहजे, बस तो बस अर्थ में, वशीभूत करने के अर्थ में, नाहे नहीं है मुहजे मेरे, तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है। जे की करिए से तू, जे की करिए से तू, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, तो मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे प्रयत्नों से कुछ होगा ये संभव नहीं है। जे की जानियो से करियो, तो आप जे जे का मतलब जो जे की जानियो, जो की का अर्थ तो कुछ जैसा आपको ठीक लगे से करियो, वो आपने किया, आपको जैसा ठीक लगता गया वो आप करते गए, तो आप करेंगे वही होगा। इसलिए मुँह में रही न मुँह, अब मुझ में तो कोई मैं पना नहीं है, मुँह में रही न मुझ में अब कोई मुझ पना, मैं पना अहम भाव बिल्कुल भी नहीं है, अब देहाभिमान भी नहीं है, अब ऐसा ही लगता है कि आप जो करेंगे वही होगा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगा वो आपने किया, जैसा ठीक लगता जाएगा वैसा आप करते जाएंगे। थी न सगा हेकली, हेकली का अर्थ अकेली, न सगा थी ए मतलब नहीं हो सकती, तो ये कहना चाह रहे हैं, हेकली न सगा थी, इस प्रकार से अन्वय होगा, मैं अकेली तो नहीं हो सकती हूँ। बीतो लगाई, तो आपने दूसरी इसलिए लगाई है कि मैं अकेले हो ही नहीं पाऊँ, तो इसलिए दूसरे ब्रह्मात्माओं को आपने जोड़ा हमारे साथ। छूटे न तो ही जी तोहरे, तो ही जी आपकी बात, अथवा तो यहाँ इस संदर्भ में आपने जो कार्य किया है, जो ब्रह्मात्माएं आपने हमारे साथ जोड़ दी है, तो वो आपके बिना कैसे छूटेंगी? छूटे न तो ही जी तोहरे, तो आपके बिना तोहरे, तो आपके बिना इस अर्थ में, तो आपके बिना ये आपका कार्य वो छूटने वाला नहीं है, आपने जो कुछ मेरे साथ लगाया है वो आपके बिना छूटने वाला नहीं है। तो अब क्या लगाया? तो माया को दिखाया, तो माया को जोड़ दिया, ऐसा सोचना पड़ेगा यहाँ पर। मुंजी फिरे न फिराई, मेरे फिराने से नहीं फिरती है, तो माया मेरे हटाने पर भी हट नहीं रही है, वो आप करेंगे तो ही संभव है। गोता खेंदे बेई उमर, गोता खेंदे का तात्पर्य गोता खाते खाते, तो कभी वो जैसे समुद्र में गोताखोर होते हैं ना, कभी डुबकी लगाएंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर डुबकी लगाएंगे फिर ऊपर आएंगे, सांस लेने के लिए तो ऊपर आना ही पड़ेगा, तो डुबकी लगाएंगे जल में, तो इस तरह से आजकल तो ये सुविधा हो गई है, तो ऐसे यंत्र वगैरह बना लिए, तो उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर के जाते हैं, तो सांस वो उसमें से ले सकते हैं और फिर तो छोड़ने में छोड़ देते हैं, तो नीचे तक जा सकते हैं। बाकी पहले तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, प्रैक्टिस करके जो ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता है तो सांस रोक करके नीचे जाना पड़ता था, तो इस तरह से, तो फिर बार बार डूबना, बार बार ऊपर आना, सांस लेने के लिए ऊपर आए, फिर नीचे जा कर के ढूंढा, तो इस तरह से करना पड़ता था, इसलिए गोता खेंदे वही उम्र, गोता खाते खाते उम्र बीत गई, वही का मतलब चली गई। पट सूखे रे पानी, तो अभी ये
कहाँ पर वो गोता लगाया, तो पट सूखे रे पानी, तो सूखी जमीन में, पट का तात्पर्य भूमि, सूखे रे सूखी पानी, तो पानी पानी का तात्पर्य। अब ये रे को कई स्थानों में बिना अर्थ में भी लगाया है, पानी के बिना सूखी हुई भूमि में ही हमने गोता लगाया है अभी तक, इसलिए उसमें से क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है वो मोहजल है, वो समुद्र का पानी की तरह से नहीं है, तो मोहजल है, तो ऐसे में हमने गोता लगाया। जे तो डिन्नी हेत करे साटरे न सत्राणी, जो तो डिन्नी हेत करे, जे तो डिन्नी, जिसको आप देते हैं हेत करे, हेत करके प्रेम से, जो वस्तु आप देते हैं हमें, साटरे न सत्राणी, वो शत्रु भी हो तो वो भी हमसे छूटने वाली नहीं है, तो माया कैसी भी हो वो आपने जोड़ दी है तो इसलिए वो छूटती ही नहीं है हमसे। सत्राणी का तात्पर्य दुश्मन, नाटारे का मतलब नहीं छूटती है, तो वो दुश्मन बनी हुई माया नहीं छूटती है, वो आपने दी है, जो ते डीनी है तक करे, आपने प्रेम से दी है, तो वास्तव में माया दिखाई ही वो प्रेम का अनुभव करवाने के लिए, इसलिए वो देंगे तो प्रेम से ही ना, तो बाद में समझ में आती है, ये देखते हुए समझ में नहीं आती है। हे जा पेयम फाई जोर जी, हे जा का अर्थ यह है जो, फाई फाई का अर्थ होता है फंदा, फांसी का फंदा हो, जाली हो, उलझन, ये सब, तो वो जोर जी जोर की है, तो वो कैसी है, पेयम पड़ी है, तो ये हे जा फाई जोर जी पेयम, तो ये जो बंधन है वो जोर का बंधन है, तो वो उसमें ऐसे बलपूर्वक ये बंधन पड़ा है। से जा लाइया जोर करे, से जा लाइया जोर करे, लाइया का अर्थ होता है उस वो फंदे को छुड़ाना, छुड़ाने अर्थ में लाइया, जोर करे जोर, उसे छुड़ाने के लिए हम जोर करके करते हैं, जोर लगाते हैं। झल्ले पेर पिरन जा पण मुंजी टारी किन टरे, पीरी पीरन, इस तरह से वो प्रियतम के लिए कहा है, तो झल्ले, झल्ले का तात्पर्य धारण करना, तो पीरन जा पैर झल्ले, पैर का अर्थ चरण, आपके चरण पकड़ करके, तो उसको ये पहले वाले दूसरे चरण है ना, तो उसका साथ में ये अर्थ करना पड़ेगा, आपके चरण पकड़ करके मैं बलपूर्वक इस माया को छुटाना चाहती हूँ, इस फंदे, माया के फंदे को। पण मुंजी टारी की न तरे, किंतु मुंजी टारी मेरे टालने से, मेरे हटाने से की न टरे, किसी भी प्रकार से वो हटते नहीं है, ये फंदे मेरे प्रयत्न से तो हटते नहीं है। धनी मुहजी रुहजा मुसे हित गालाए, धनी मुहजी रुहजा, हे मेरे आत्मा के धनी, मुसे हित गालाए, मुझसे हित, यहाँ गालाए का अर्थ होता है बातचीत करना, आप इसी माया में मुझसे बात करें, मुझे कुछ समझाएं। पीरी पश्चिम जीतिए से तुई दिए उपाय, पीरी पशण जीतिए, जीतिए जिस प्रकार, इस अर्थ में जीतिए पीरी पशण, जिस प्रकार पीरी प्रियतम धनी को, आप प्रियतम धनी को मैं पशण देख सकूं, से तु ही दिए उपाय, तो वो उपाय तो आप ही कर सकते हैं, तो वो व्यवस्था आप ही कर दे सकते हैं जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं, तो मेरे प्रयत्नों से नहीं हो पाएगा, आप चाहेंगे तो होगा, इसलिए आप कुछ कर दीजिए, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
से तू ही लिए उपाय धनी मुआजी से गलाए पीरी पसना जेथिए पीरी पसना जेथिए से तू ही दिए उपाय से तू ही दिए उपाय।